हाय गाइस, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है के मैप, कारनॉफ मैप। ओके, बहुत इजी तरीके से समझाया है। कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है, और अगर आप इन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसे के मैप का कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, सो इसको शुरू करते हैं। ओके एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ठीक है, तो चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज यू नो ये एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। और मैं और वीडियोज लाऊंगा जहाँ पे और इजी तरीके से मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट इजीली एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, सो कारनॉफ मैप, के मैप, ओके, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे? रिड्यूस द बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, कारनॉफ मैप हमारे बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करता है, सिंपल सी बात। ओके, कैसे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कुछ स्टेप्स हैं, ओके, जिनके थ्रू इट बेसिकली रिड्यूस द बुलियन एक्सप्रेशन। अब अगर बुलियन एक्सप्रेशन रिड्यूस होगा तो नंबर ऑफ गेट्स रिड्यूस होंगे, इंप्लीमेंटेशन इजी होगा। ओके, चलिए सो शुरू करते हैं पहले स्टेप से, ठीक है। अब हमारे पास 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, ओके, ये 3 के मैप्स हम समझने वाले हैं इन वेरिएबल्स के करस्पॉन्डिंग। चलिए ठीक है, So, सबसे पहले बात करते हैं 2 वेरिएबल के मैप की। ओके, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज रिप्रेजेंटेशन। आप कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट? ओके, सो स्टेप 1 है रिप्रेजेंटेशन, मींस इन वेरिएबल्स के करस्पॉन्डिंग हम कैसे के मैप को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, सो गाइस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन वी हैव, 2 raised to power small n। ओके, अब ये फॉर्मुलेशन बताता क्या है? ये बताता है टोटल नंबर ऑफ केसेस करस्पॉन्डिंग टू दी वेरिएबल्स और इनपुट्स, वेयर स्मॉल एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इनपुट्स कह लीजिए या फिर वेरिएबल्स कह लीजिए, ठीक है। तो यानी कि अगर मेरे पास n1 है तो मेरे पास 2 केसेस होंगे 0 1, अगर n2 है तो मेरे पास 4 केसेस होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन इज इंपॉर्टेंट। मैं इसका यहां पर अभी यूज बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अब मैं कह रहा हूं हम 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग के मैप का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, व्हेन माय एन इज 2, जब मेरा एन 2 होगा तो कितने वेरिएबल्स, सॉरी, अगर मेरा एन 2 है सो दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2 वेरिएबल्स और आई कैन से 2 इनपुट्स की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, इफ आई एम सेइंग 2 इनपुट्स आई एम गोइंग टू हैव, सो करस्पॉन्डिंग टू इट 2 raised to power 2, दैट मींस 4 केसेस आई एम गोइंग टू हैव, इजंट इट? 2 वेरिएबल्स हैं, उनके करस्पॉन्डिंग 2 raised to power 2 4 केसेस होंगे। तो हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं? वी आर जस्ट मेकिंग 4 बॉक्सेस, 1 2 3 4, that's it. Okay, simple सी बात। Okay, क्या क्या हमें 2 वेरिएबल्स थे, 2 वेरिएबल्स के करस्पॉन्डिंग 4 केसेस हैं, ठीक है, और मुझे इसके करस्पॉन्डिंग के मैप की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो मैंने 4 बॉक्सेस बना दिए। इन बॉक्सेस को भरेंगे बाद में, देखते हैं कि इनमें अभी क्या आएगा। Let's stick to this part only, जहां हमने 4 बॉक्सेस बनाए हैं। क्यों? For 4 केसेस, because I'm dealing with 2 वेरिएबल्स। ओके, सो दिस वॉज फॉर 2 वेरिएबल्स। ओके, लेट्स से नाउ लेट्स टेक 3 वेरिएबल्स इनटू द अकाउंट। ओके, सो n इक्वल्स टू 3, सो फॉर 3 वेरिएबल्स फॉर 3 इनपुट्स केसेस आई एम गोइंग टू हैव 8 केसेस, 2 raised to power 3, आई एम गोइंग टू हैव 8 केसेस। सो दिस इज फॉर n इज इक्वल्स टू 3। ओके, सो यू कैन से 3 वेरिएबल्स आर हियर एंड टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जो मैं यहां पर बनाने वाला हूं वो 8 बनाने वाला हूं गाइस, इस तरह से 1 2 3 लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 बॉक्सेस, 3 वेरिएबल्स, 8 केसेस, 8 बॉक्सेस, ठीक है। लेट्स मूव फॉर 4 वेरिएबल्स, सो n इज इक्वल्स टू 4। ओके, so this is 4 variables we have, 4 inputs we have, okay, corresponding to it,
हमें के मैप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और अगर मेरा एन फोर हुआ तो टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे 16, ओके 16 केसेस वी आर गोइंग टू हैव करस्पॉन्डिंग टू इट, ओके सो रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस. Okay, so this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ठीक है, तो अभी सिर्फ हमने स्टेप वन में रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं कि यार अगर टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, फोर वेरिएबल के मैप हमसे पूछते हैं क्वेश्चन में, ओके, तो किस तरह का आपको के मैप का डायग्राम बनाना है. ठीक है, वो किससे एसोसिएटेड है, आपके किससे एसोसिएटेड है, नंबर ऑफ केसेस से, बस इतनी सी बात. चलो ठीक है, अब अगर इतनी बात समझ में आई है तो अब इन बॉक्सेस को फिल करना शुरू करते हैं. ठीक है, लेट्स जस्ट मूव टू दैट पर्टिकुलर पार्ट, ओके, जहां पर हम इन बॉक्सेस को फिल करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो दिस इज माय वेरी फर्स्ट स्टेप ओनली, मैं अभी सेकंड स्टेप पे गया नहीं हूं गाइस, रिप्रेजेंटेशन पे हूं. ठीक है, दिस इज फॉर टू वेरिएबल्स, लेट्स से माय वेरिएबल्स आर ए एंड बी. ओके, ए इज हियर, बी इज हियर. आई टेल यू मैंने ए बी ऐसे क्यों लिखा है. ठीक है, विल कम टू दैट पार्ट. आई कैन राइट ए बी लाइक दिस ऑल्सो, ओके, वो भी लिख सकते हैं. ठीक है, बट ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप ऐसे लिखते हैं तो. ठीक है, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट थ्री वेरिएबल, फॉर थ्री वेरिएबल आई एम गोइंग टू हैव एट केसेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, सो ए इज हियर, बी सी इज हियर. ओके, I'll tell you, A मैंने यहाँ क्यों लिखा है और B, C वहाँ क्यों लिखा है. Three variables, one variable is A, second and third variable are B and C. So A, B, C, okay? And this is for four variable. Okay, so this is for four variables. A, B, two variables are here. C, D, two variables are here. ठीक है? तो total four variables हो गए A, B, C, D. Okay, 16 cases are there. Okay, so guys, now the reason of writing the things here like this, uska kya reason hai? Fir se, the formulation is 2 raised to power n. Okay, is formulation pe dhyan dijiyega. Ab ho kya hai? Dekhiye, yahan pe mera single variable hai a, theek hai? Yahan pe mera single variable hai b. To single variable hai, that means n is equals to 1. To number of cases kitne honge? 2. अगर n 1 है तो नंबर ऑफ केसेस 2 ही होंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 केस इज हियर दैट इज 0, अनदर केस इज हियर दैट इज 1, 1 केस इज हियर अनदर केस इज हियर. ओके, सिंगल वेरिएबल के करस्पोंडिंग 1 केस इज 0 अनदर केस इज 1, 1 केस इज 0 अनदर केस इज 1. ओके, नाउ हियर व्हेन आई एम राइटिंग ए बी सी लाइक दिस, दिस इज द सिंगल वेरिएबल corresponding to it, I am having two cases 0, 1. That's why one variable is coming here. And two variables are here, BC, four cases are going to be here. 1, 2, 3, 4. That's why BC is here. Okay? Now, how to write these four cases? Okay, that is a very important part. Okay? So this is 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. I know normally 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 hota hai. But humne yahan 1, 1 likha hai. इसका रीजन हम भी बताएंगे आपको, इसका रीजन है थोड़े टाइम के लिए यहां पे 1-1 आ गया, वहां पे 1-0 लिख दिया. ओके, हम इसके एक्सप्लेनेशन पे आएंगे अभी. ओके, सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट दिस ए बी सी डी, फोर वेरिएबल्स आर हियर. ओके, दिस इज ए बी एंड सी डी एंड इट इज मेकिंग सेंस, टू वेरिएबल्स आर हियर, फोर केसेस आर हियर, 0-0, 0-1, 1-1, 1-0. Two variables, four cases are there. 0-0, 0-1, 1-1, 1-0. Okay. Okay. So hopefully up to this particular part, everything is clear to you. Okay. Now the question is, कि हमने इसको इस तरह से represent क्यों किया है? Okay. Guys, this is actually the gray code representation. Okay. ये binding के corresponding gray code representation है. Okay. क्यों हमने ग्रे कोड में रिप्रेजेंट किया है? ओके, पहले समझते हैं कि ग्रे कोड बना कैसे है. दिस इज बाइनरी, दिस इज माय बाइनरी 0001101.
अब इसके करस्पॉन्डिंग ग्रे कोड लिखना है. सो फर्स्ट बिट इज लाइक दिस एंड देन आई एम अप्लाइंग XOR गेट बिटवीन दीस टू बिट्स आई विल गेट 0 बिकॉज़ 0 XOR विद 0 आई विल गेट 0. नेक्स्ट दिस इज 0 इट इज कमिंग लाइक दिस. नाउ आई एम अप्लाइंग XOR गेट बिटवीन 0 एंड 1 आई एम गेटिंग 1 1 0 1 इज लाइक दिस द वेरी फर्स्ट बिट XOR गेट बिटवीन 1 एंड 0 आई एम गेटिंग 1 1 इज लाइक दिस XOR gate between 1 and 1, I'm getting 0. So this is the gray code representation corresponding to the binary 00011110. ठीक है? अब ऐसा किया क्यों है? See guys, अगर आप binary की तरफ ध्यान देंगे, यहाँ पर 2 bits are changing. See this particular case 0 to 1, 1 to 0. 2 bits are changing. But if you see gray code, 1 bit is changing, 0 to 1, 0, 0 is same. 1 bit is changing, 1 1 is same, 0 1. 1 1 is same, 1 0. So, hoga kya? So, if we write gray code representation here, okay, it basically make our reduction very easy as compared to writing the things or representing the bits in binary. Okay, so that's why we are taking gray code representation here instead of binary representation. Okay. Hopefully this particular point is clear to you. Remember this, आपने यहाँ पर 10 नहीं लिखना है, okay? आपने यहाँ पर 11 लिखना है. उसका reason है because consecutive bits के बीच में एक ही bit का change हो रहा है, and it is going to make our implementation part or reduction part more easily, or you can say ज़्यादा reduction होगा as compared to if you represent the things in binary. यहाँ पर अगर bits binary में लेकर चलते हैं, okay? चलिए. So now if this particular point is clear to you, अब question आता है कि इन boxes के बीच में भरना क्या है? अभी तक हमने समझा क्या है? हमने representation देख ली है, हमने देख लिया variables को लिखना कैसे है, okay? So variables को ऐसे क्यों लिखा है? मैं यहाँ पर ये लिखूँ, यहाँ पर भी लिखूँ, क्या होगा? कोई problem नहीं, आप लिखिए. लेकिन जो हम करने वाले, ठीक है? वो चीजें change हो जाएंगी. इन boxes को actually हम भरने वाले हैं number से. अब वो numbers क्या हैं? Okay, देखते हैं. See guys, this is 00, that is 0. Isn't it? अगर मैं A, B लिखता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा? 00011011, यही तो होंगे ना? तो मैं A, B को इस तरह से पढ़ रहा हूँ. A, B, 00, that is 0, decimal में. 01, that is 1. 10, that is 2. 11, that is 3. ठीक है? So this is 0123, simple. अब मैं A, B को पढ़ ऐसे रहा हूँ, इसलिए मैं इन बॉक्सेस में आई एम एबल टू राइट द वैल्यूज लाइक दिस 0123. अगर आप ए यहां लिखकर बी यहां लिखेंगे तो चीजें चेंज हो जाएंगी. ओके, जो नंबर्स हैं इनसाइड दीस बॉक्सेस को चेंज हो जाएंगे क्योंकि अब आप ए बी ऐसे पढ़ रहे हैं. तो बेटर है आप ए बी को ऐसे ही पढ़िए. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस. दिस इज ए बी सी. ओके, सो दिस इज व्हाट, 3 वेरिएबल, टोटल नंबर ऑफ केसेस 8. आई थिंक आपको पता ही है कैसे है वो. दिस इज 00, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. सो दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. ओके गाइस, अब क्या हो रहा है? 3 टाइम्स 0, दिस इज 0, दिस इज 1. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज 2, दिस इज 3. बिकॉज 0, 11. 011 is 3 and 010 is 2. Because यहाँ पर gray code representation है, binary representation नहीं है, इसलिए यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर 3 आया है. यहाँ पर गलती मत करिएगा, ठीक है? And this is what? 4, 5, 6, 7. Okay? Because यहाँ पर consecutively एक ही bit change होगा, इसलिए हमने यहाँ पर gray representation किया है, हमारे implementation. और ऑब्वियसली अगर रिडक्शन पार्ट ज्यादा सही रहेगा तो इंप्लीमेंटेशन और इजी होगा. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस ए बी सी डी. व्हाट अबाउट दिस? दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. दिस इज 8 डाइस. दिस इज 1000. आप लिख के देख सकते हैं ए बी सी डी के करस्पॉन्डिंग 0 टू 15 केसेस. ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं नंबर्स इस तरह क्यों लिख रहा हूं. ओके, सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्टेप
ओके, जहां पर हमने रिप्रेजेंटेशन देखी है के मैप की, किस तरह से करनी है, किस तरह से वेरिएबल्स को लिखना है, ओके, और किस तरह से बॉक्सेस के अंदर वैल्यूज को लिखना है, ठीक है। सेकेंड वीडियो में, इस वीडियो में इतना था गाइस, सेकेंड वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट एसओपी एंड पीओएस फॉर्म, ओके, थैंक यू।